नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर वेलसुन फार्मेसी में। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में आज मैं जिस टैबलेट का रिव्यू करने वाला हूँ वो एमटास 80 के नाम से आपको जो है किसी भी फार्मेसी पे देखने के लिए मिल जाती है। ये एक प्रेस्क्राइब्ड टैबलेट होती है जो कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही आपको मिलती है। दोस्तों, ये क्या होती है, जो हाइपरटेंशन होता है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाता है या एंजिना एक टर्म होती है जो बीमारी है वो जब हो जाती है तब डॉक्टर ये जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। एंजिना में आपकी छाती में भारीपन लगता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको ना अचानक से काफ़ी ज़्यादा पसीने आ जाते हैं, तो वो एंजिना है जो कि हाइपरटेंशन की यानी कि बीपी की बीमारी की या हार्ट स्ट्रोक के आपको बताता है कि आपको जो है अभी हार्ट स्ट्रोक हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये एक सिम्टम है एक तरीके का जो कि आपको इंडिकेट करता है कि भैया अपना इलाज जो है आप करा लीजिए। तो तब जाकर के डॉक्टर जो है इस तरीके की टैबलेट आपको लिखते हैं। तो उसमें से एक ब्रांड है एमटास 80, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं। इसकी एमआरपी की बात की जाए तो अभी करंट में इसकी जो एमआरपी है वो 155 रुपये है, जिसमें आपको 15 टैबलेट देखने के लिए मिल जाती हैं। ये 10 टैबलेट की भी आती है और 15 टैबलेट की भी आती है, तो 2 वेरिएंट में आती है ये। इसके सोल्ट की बात की जाए तो इसके अंदर एमलोडिपिन 5 mg होता है और एटेनोलॉल जो होता है 50 mg होता है। इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा ये बनाया जाता है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो इससे आपको जो है डिजीनेस हो सकती है, ठीक है, पाल्पिटेशन हो सकता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो सकती है, एडिमा हो सकता है यानी कि आपको जो है सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि आपको जो है हर किसी इंसान को देखने के लिए मिलते हैं, किसी किसी इंसान में देखने के लिए मिलते हैं और वो भी जो है समय के साथ 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। इससे आपको थकावट हो सकती है, डिजीनेस आ सकती है, सर में दर्द भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सी आपको ठंड भी लग सकती है क्योंकि आपका जो है बीपी डाउन करती है। जैसे ही आपका ज़्यादा बीपी डाउन होगा तो आपको ठंड भी लगने लगेगी और आपको जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का शिकायत भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो एटेनोलॉल होती है ये आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देती हैं, जिससे कि जो है आपको आराम आने लग जाता है। अक्सर देखा होगा कि ब्लड प्रेशर हो जाता है तो सर में दर्द भी होने लग जाता है क्योंकि जो आपकी नसें हैं वो डायलेट हो जाती हैं यानी चौड़ी हो जाती हैं, तो उससे भी जो है आपको दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने से बचाती हैं। तो आपने ये डेली लेनी होती है हर एक 24 घंटे में या जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है उस हिसाब से आपने जो है प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ये टैबलेट जो है लेनी होती है। इसको पूरा निकलना होता है। तो दोस्तों, ये इसके बारे में पूरी जानकारी थी। कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड या किसी और टैबलेट से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ सावधानियाँ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आपने सॉल्ट का इंटेक कम करना यानी नमक आपने कम खाना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। अगर आप ज़्यादा नमक लेंगे तो आपके जो है सूजन भी आ सकती है, पैरों में हाथों में पानी भर सकता है क्योंकि ये क्या करता है उसको होल्ड करके रख लेता है पानी को, जिससे कि आपका बीपी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके के जो है चीज़ें ध्यान रखिए प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंट वूमेन को ये जो है चीज़ें डॉक्टर की सलाह से ही देनी चाहिए। तो चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद।